क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत अधिक पसीना आता है? क्या महज 5 मिनट के ट्रेडमिल वर्कआउट के बाद आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं? क्या किसी से हैंडशेक करने से पहले आपको अपनी हथेलियां पोंछनी पड़ती हैं? अगर आपका इन सभी सवालों के लिए जवाब हाँ है, तो बहुत अधिक पसीना आने के इस समस्या को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज ना करें, क्योंकि बहुत अधिक पसीना आना किसी गंभीर बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं। बहुत अधिक पसीना आने की समस्या को मेडिकल टर्म में हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादातर मौकों पर लोगों के लिए ये अंतर करना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें सामान्य रूप से पसीना आ रहा है या फिर किसी कारण या बीमारी की वजह से। पसीना आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब भी आप गर्म वातावरण में होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, या स्ट्रेस में होते हैं, या फिर गुस्सा या डर का सामना कर रहे होते हैं, तो आपको पसीना आना नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस यानी बहुत अधिक पसीना आने की समस्या उन लोगों को हो जाती है जिन्हें ठंड वेदर में भी बिना कोई फिजिकल एक्टिविटी किए या बिना किसी अन्य स्पष्ट कारण के दूसरों से ज़्यादा पसीना आता है। तो दोस्तों, कई बीमारियों और मेडिकल कंडीशन की वजह से भी बहुत अधिक पसीना आने की समस्या हो सकती है, जैसे कि मेनोपॉज, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा थायराइड भी रीज़न हो सकता है। जब किसी मरीज को हाइपर थायराइड की बीमारी हो जाती है, तो उसका शरीर हीट और गर्मी के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाता है, और इस वजह से बहुत अधिक पसीना आना की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगला कारण डायबिटीज हो सकता है। जो लोग इंसुलिन या डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, उनके शरीर में कई बार ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो इस वजह से भी उन्हें रात के समय बहुत अधिक पसीना आने लगता है। हालांकि एक बार जब ग्लूकोज लेवल सामान्य हो जाते हैं, तो फिर पसीना वापस अपनी सही पोजीशन पर आ जाता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर भी रीजन हो सकते हैं। अचानक बहुत अधिक पसीना आना हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर या हृदय से संबंधित किसी अन्य गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। हालांकि हार्ट अटैक होने पर सिर्फ पसीना नहीं आएगा, बल्कि चेस्ट पेन समेत कई और लक्षण भी दिखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा शराब की लत भी कारण हो सकता है। अल्कोहल शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम समेत कई और हिस्सों को भी प्रभावित करता है। बहुत अधिक शराब पीने की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, और इस कारण बहुत अधिक पसीने आने की दिक्कत भी हो सकती है। और दोस्तों, आखिरी में अर्थराइटिस भी कारण हो सकता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें हड्डियों के जोड़ में इन्फेक्शन हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित कुछ मरीजों में रात के समय बहुत अधिक पसीना आने की दिक्कत देखने को मिली है। इसके अलावा, जिन लोगों को एंजाइटी की समस्या होती है, उन लोगों में भी सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा पसीना आता है। साथ ही कई बार कुछ दवाइयों की वजह से भी ज़्यादा पसीना आ सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा अब आपको अगली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार।